नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए हम से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने पेश किया चौथा बजट। पुरानी पेंशन को बहाल करने पर श्रमिकों ने जाहिर की खुशी। आईटी की टीम ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर की छापामार कार्यवाही। दिन भर व्यापारियों से की गई पूछताछ, जिससे व्यापारियों में मचा हड़कंप। दुर्ग के राजीव भवन में पार्टी से जुड़ी विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई बैठक। राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठक में रहे मौजूद। दुर्ग में 3,36,000 रुपए की उठाई गिरी का शिकार हुआ व्यक्ति। पुलिस कर रही मामले की जांच। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भूपेश सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया, जिससे शासकीय कर्मचारियों की खुशियां सातवें आसमान पर पहुंच गई। लंबे समय से पुरानी पेंशन नीति को लागू कराने की मांग की जाती रही, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने चौथे बजट में शामिल कर सभी को खुशी मनाने का एक मौका दिया। आज ही निगम में कर्मचारियों ने एक साथ होली और दिवाली एक साथ मना ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश किए हैं। इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। भिलाई क्षेत्र के लाडले विधायक देवेंद्र यादव ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है, इससे सर्वत्र खुशी का माहौल निर्मित हो गया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। महापौर नीरज पाल ने बजट को युवाओं के लिए प्रोग्रेसिव निरूपित करते हुए कहा कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल और पीएससी की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को कोई शुल्क नहीं देने की घोषणा भी की गई है। इससे अंचल के बेरोजगारों को लाभ होगा। निगम के सभापति गिरवर बंटी साहू ने ग्रैंड न्यूज से कहा, लघु एवं कुटीर उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। नगरीय निकाय के संपत्ति के आर्किटेक्ट मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के निर्धारित 30% की छूट करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। और मोर जमीन मोर चिन्हारी के अंतर्गत 450 करोड़ की भी अधिक योजना आर्थिक योजना बनाई गई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज का बजट मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय बजट दिया गया है। इसमें बहुत ही अच्छा वाइपम और पीएससी जिसमें मूल्य लगती थी उसको मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क किया गया, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष ध्यान दिया गया इस बजट में। इसमें तो कुछ कमियां नहीं आ रही है। यह बजट पूरी तरह से संपूर्ण अच्छा बजट आया है। ये पहले जो गरीब बच्चे थे जो वाइपम और पीएससी का मतलब पेपर दिलाने के लिए करते थे, लेकिन कुछ कमी के कारण वो परीक्षा में बैठ नहीं पाते थे। ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष धन्यवाद जिसने पूरा निःशुल्क कर दिया है। साथियों, आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा की गई है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाती है, तो इसमें हिंदुस्तान में पहला राज्य है राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी, जिन्होंने देश में क्रांति लाई है, पुरानी पेंशन बहाल किया है। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विधानसभा सत्र के दौरान आज घोषणा किया है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। साथियों, इसका अर्थात मतलब यह है कि 2004 के बाद से जो कर्मचारी नियुक्ति के हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रही थी, अब उनको भी पुरानी पेंशन बहाली होने से पूरा पेंशन मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद भी हम जिंदा रहने के काबिल रहेंगे, इतनी पेंशन हमको जरूर मिलेगा। नगर निगम के पूरे अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से, छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से, 22 मान्यता प्राप्त संगठनों के फेडरेशन की तरफ से, मैं मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने पेंशन बहाली किया। साथ ही गुजारिश करता हूँ कि 14% महंगाई भत्ता जो शेष लंबित है उसे भी शीघ्र निराकरण कराने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। श्रवण कुमार ठाकुर, क्रांति संगठन सचिव, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ राज्य। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 3 में मंगलवार को देर शाम दुर्घटना में एक अकुशल श्रमिक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि कल मौत होने की जानकारी देना भी प्रबंधन ने आवश्यक नहीं समझा। आज ही सुबह मृत्यु की जानकारी दी गई। यह प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही नहीं है तो और क्या है। परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया।
खबर से संबंधित जब ग्रैंड न्यूज ने प्रबंधन से बात करना चाही तो उन्होंने मामले को दबाने के उद्देश्य से कोई भी अधिकारी कुछ कहने को तैयार ही नहीं हुए। दोपहर लगभग 4:15 बजे भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 3 में रिफैक्टरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ईंटें लेकर आई ट्रक से सेमी पोर्टल क्रेन टकराने से ट्रक पर सवार बसंत ब्रदर के 55 वर्षीय अकुशल ठेका श्रमिक केवल ट्रक के डाले से जमीन पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। केवल को तुरंत बीएसपी के एम्बुलेंस में संयंत्र के मेन मेडिकल पोस्ट लाया गया, जहां उपस्थित डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में संयंत्र प्रबंधन द्वारा घटना को छिपाने का प्रयत्न किया गया। प्रबंधन की ओर से मामले को रफा दफा करने मृतक के परिजनों को आईआर विभाग द्वारा 1,00,000 रुपए का अंतरिम भुगतान किया गया। परिजनों का आक्रोश अभी भी बना हुआ है। प्रजा जनशक्ति के अध्यक्ष के राजू ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि संयंत्र प्रबंधन द्वारा ठेका मजदूरों का मानसिक आर्थिक शोषण बदस्तूर किया जा रहा है। मैं उनकी बेटी हूँ आरती मारखंडे। कल मेरा बाप का डेथ हुआ, कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, दो पैर काटे, कुछ नहीं किए इन लोग। आज पांच हम लोग भाई बहन, मम्मी ऐसे भी बीमार रहती है, 2 दिन जाती ना 4 दिन। 1,00,000 में क्या होता है? करना तो कुछ अच्छा कीजिए, नहीं करना है तो अब या तो सरकार अपना मेरे पापा दे दे, या नो ऐसा पैसा दे जो मेरे भाई लोग का भविष्य बन जाए और नौकरी मिले। कल का घटना है और केवल दास मार्कंडे जी, केवल मार्कंडे जी जो दुर्गा मंदिर का निवासी है, हमारी समाज इस्लामी समाज का है वो, और काफ़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था। कल सवेरे जनरल शिफ्ट तक गया हुआ था उसने, और शाम को किसी साथी के द्वारा उसको जानकारी मिला घर वालों को, एक्सीडेंट में उसका एक्सपायर हो गया। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक परिवार वालों से कोई उनसे मिलने नहीं आया, ना ही कुछ जानकारी दिया गया और ना ही किसी प्रकार के पहल की गई है। कल से वहाँ से अभी तक का डेड बॉडी को रखा गया है, लेकिन घर वाले परिवार वालों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। यूनियन के साथ ही जो आए हैं अपनी स्तर से वो लोग प्रयास किए हैं। आज मुझे अभी आया तो मुझे अवगत हुआ कि वो जो लेटर अभी ये लोग दे रहे थे, नोटिस लेटर है करके इनको बहला फुसला करके वो दस्तखत कराने के प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ डेट निश्चित डेट नहीं तय किया है कि इस तरह तारीख से आपकी नियुक्ति आपके घर वालों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन उस पर हमारी बात नहीं बनी और हमने उसका विरोध किया। और जब तक हमारे घर वाले को पीड़ित पक्ष के जो भी एक व्यक्ति को नौकरी ना मिले और उनके जो अभी अविवाहित है उनके बच्चे का शादी ब्याह का जो खर्चा मुआवजा ना मिले और उनकी कार्यक्रम के लिए जो होगा और पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा होगा उनको भी निर्वहन करने के लिए हम मैनेजमेंट की तरफ से प्रेम पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि वो संज्ञान में लें और निश्चित तौर पर पीड़ित पक्ष के जो उनके घर वालों को समस्या का और उनके सहयोग प्रदान करें। मैं सुनील भारती कुर्सी पर भिलाई से। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। आयकर विभाग की टीम आज छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर एक साथ छापामार कार्यवाही की। भिलाई के नेहरू नगर निवासी उद्योगपति विनोद जैन के निवास में अचानक अल सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तड़के सुबह आईटी की रेड पड़ी है। ये रेड भिलाई, दुर्ग, रायपुर, सूरजपुर, जशपुर, कवर्धा और रायगढ़ में पड़ी है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में लगभग 150 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही ये कार्रवाई रायपुर में कारोबारी विनोद जैन, कवर्धा में कन्हैया अग्रवाल, सूरजपुर में आशीष अग्रवाल सहित जशपुर, रायगढ़ में भी ये कार्रवाई जारी है। दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ के मशहूर व्यापारी एनसी नाहर के मालवीय नगर स्थित आवास और कार्यालय पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। शहर में आईटी के टीम की उपस्थिति से व्यापारी वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों का सम्मान किया गया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय तिवारी ने इस दौरान कहा कि इस हॉस्पिटल में अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना की वजह से इस हॉस्पिटल को विश्वसनीय बनाने में सभी कर्मचारियों का योगदान है, जिसके लिए हॉस्पिटल के सभी स्टाफ धन्यवाद के पात्र हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एसआर परिवार के समस्त महिला कर्मचारियों के सम्मान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर छाया भारती रेटिना सर्जन एवं विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर संगीता पात्रे स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ उपस्थित थी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भी दिया गया। इस विशेष अवसर पर केक भी काटा गया। प्रबंधन द्वारा अस्पताल में सेवाएं प्रदान करने वाले समस्त नारी शक्ति का सम्मान पुष्प वर्षा कर एवं गुलाब फूल भेंट कर किया गया।
कार्यक्रम में डॉक्टर छाया भारती ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिकाएं निभा रही है। डॉक्टर संगीता पात्रे ने इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि जिस स्थान पर नारी का पूजन होता है वहां देवता वास करते हैं। कहा गया कि SR अस्पताल में पारिवारिक वातावरण है, सभी के द्वारा महिलाओं को विशेष सम्मान प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में अस्पताल प्रबंधन द्वारा डॉक्टर सौम्या तिवारी, श्रीमती ताज जोशी, स्वाति पारकर, हरी साहू, सीमा बरहरे, तारा पटेल, दामिनी वर्मा, सीमा शर्मा, प्रतिमा केरकेट्टा, सरिता कवाटकर, ममता बिंदु मानिकपुरी, रूपा चेलक, सरस्वती यवंतिका, संगीता जोशी, इंदु कुर्रे, नाजिया खान, अप्सर निशा, यशोदा, लक्ष्मी ठाकुर, खुशबू कौशल्या, रोशनी यादव, दुर्गेश्वरी, सीमा धनेश्वरी, रूप कुमारी, शारदा पटेल, रितु पाटिल, सावित्री सोनवानी, संतोषी, अन्य सभी नारी शक्ति का सम्मान किया गया। डॉक्टर संगीता पाटिल, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मैं निशा साहू, मैं SR हॉस्पिटल में सेवाएं प्रदान करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया। हर वर्ष इसी तरह हर वर्ष सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, डॉक्टर्स एवं सभी स्टाफ मौजूद थे। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्पताल की महिलाओं स्टाफ द्वारा सम्मान अस्पताल प्रबंधक द्वारा किया। मेरा नाम सरस्वती बुआर्य है, मैं SR हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हूँ। आज हमारे महिला दिवस के उपलक्ष्य में सर हमको बहुत अच्छे से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारे सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और सर को स्पेशल थैंक यू। सारी सर कुरैशी है, मैं SR हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ। आज महिला दिवस समारोह के सम्मान में सर ने जो हमारा सम्मान किया उसके लिए शुक्रिया सर। मैं बिंदु देवी मानिकपुरी, मैं SR हॉस्पिटल में 2 साल से काम कर रही हूँ और यहाँ मैं मरीजों की सेवा भी करती हूँ और हाउसकीपिंग की काम करती हूँ। मैं ये महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय में हमारे सम्मानित हुआ है तो हम लोग बहुत खुश हैं। संजय चेयरमैन संजय सर हम लोग का बहुत मतलब ध्यान रखते हैं और हम लोग को टाइम में वेतन भी मिल जाता है, इसके लिए मैं संजय सर की आभारी हूँ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वासुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन BM शाह हॉस्पिटल में भी गरिमामय ढंग से किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपने नाम का परचम लहराने वाली महिलाओं का सम्मान हुआ। चाहे एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, मेडिकल फील्ड हो, प्रशासनिक सेवा या सोशल वर्क, इन सभी तमाम क्षेत्रों में सक्सेसफुल महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित डॉक्टर रश्मि भूरे, जिला कोविड आइसोलेशन प्रभारी, शालिनी छाबड़ा DFO, लता विजय शाह डायरेक्टर सिंप्लेक्स इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स, नेहा पांडे ASP, नमिता पवार ASP, प्रीति अग्रवाल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डॉक्टर सुगम सावन जिला प्रशिक्षण अधिकारी, डॉक्टर सुनीता गोवर्धन गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर स्वाति राय गायनेकोलॉजिस्ट, श्रीमती गुरप्रीत चोपड़ा सीनियर मैनेजर HDFC बैंक, प्रियंका लता ब्रांच मैनेजर ICICI बैंक, राखी नगरिया प्रिंसिपल आइडियल इंटरनेशनल स्कूल, ममता गोवर्धन उद्यमी और जैविक किसान एवं दूरदराज के क्षेत्रों के छोटे जैविक किसानों के लिए बाजार उपलब्ध करा रही है, मधु आनंद बैंक मैनेजर, प्रियंका लता बैंक मैनेजर अतिथि के रूप में मौजूद रही। सभी अतिथियों का सम्मान पुष्प गुच्छ से किया गया। डॉक्टर रश्मि भूरे ने हॉस्पिटल की सभी फीमेल स्टाफ को मोटिवेशनल स्पीच देकर समझाया कि आप एक दृढ़ संकल्प लें कि आगे बढ़ें और कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। शालिनी छाबड़ा ने लड़कियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा। नेहा पांडे ने हॉस्पिटल के सभी फीमेल स्टाफ को अपनी स्पीच के माध्यम से बताया कि उनकी फैमिली में सभी मेडिकल फील्ड से हैं, पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी का फील्ड चुना। जरूरी नहीं आप हमेशा मेडिकल में ही हो, आप आगे अपना फील्ड जब चाहे बदल सकती हैं, बस उसके लिए एक छोटी सी कोशिश करनी होगी पूरे लगन से।
प्रीति अग्रवाल ने एक उदाहरण देते हुए हॉस्पिटल की फीमेल स्टाफ को संबोधित किया। लता शाह जो नॉन मेडिकल होते हुए भी अपने ससुर जी का सपना बीएम शाह हॉस्पिटल शहरवासियों के लिए चालू करके दिखाया। बस एक जुनून होना चाहिए। डॉक्टर स्वाति राय जो कि बीएम शाह हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट विभाग में है, उन्होंने अपील की कि हर माँ बाप की चाहत होती है बेटा बेटी को बोझ न समझे। आज हर फील्ड में बेटियाँ आगे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति जैन ने सभी महिलाओं से अपील की कि आप अपनी समय समय पे जांच कराते रहें, जिससे गंभीर बीमारियों को पहले ही रोका जा सके। लता विजय शाह ने हॉस्पिटल की सभी फीमेल स्टाफ के ऊपर प्राउड फील करते हुए कहा कि आप सबने विगत 8 वर्षों से हॉस्पिटल में अपनी सेवा देती आ रही है। कोविड जैसी महामारी से आप सबने लड़ा और जीत पाई। हमें गर्व है आप सब पर और आप सबके माता पिता पर, जिन्होंने आप सबको ऐसी शिक्षा दी एवं परवरिश दी। हॉस्पिटल के ऑपरेशन डायरेक्टर डॉक्टर अरुण मिश्रा बीएम शाह हॉस्पिटल परिवार की ओर से सभी अतिथियों का आभार जताया, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति दी। बीएम शाह हॉस्पिटल ने महिला दिवस को एक सौगात के रूप में सेलिब्रेट किया, जिसमें 35 मरीजों ने लाभ लिया एवं बेटी जन्म होने पर उनका सारा खर्च हॉस्पिटल की तरफ से था, जिसमें 2 परिवारों को इसका लाभ हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एडमिन राहुल नायडू, श्रीमती पद्मा केतन शाह, मिस गंगा सिंह, मिस्टर अमरजीत सिंह ऑपरेशन मैनेजर, मिस्टर विनोद गावड़े फैसिलिटी मैनेजर, मिस्टर कृष्ण नेंद्र तिवारी सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव मिडर्स, मिस्टर सौरभ सिंह लैब इंचार्ज, राजेश उन्नी फ्लोर मैनेजर, मिस काजल साहू फ्लोर मैनेजर, मिस रजनी कैजुअल्टी इंचार्ज, मिस पूजा मेल वार्ड इंचार्ज, श्रीमती रानी सिंह प्राइवेट वार्ड इंचार्ज, श्रीमती श्वेता गायनिक वार्ड इंचार्ज, मिस नेहा सिंह फीमेल वार्ड इंचार्ज, दीपक देशमुख आईसीयू इंचार्ज, मिस्टर सूर्यकांत पटेल मार्केटिंग, मिस प्रिया नाग रिसेप्शन, मिस प्रिया झा रिसेप्शन सीनियर इलेक्ट्रीशियन। कल्चर प्रोग्राम में मुख्य रूप से स्मृति पाठक, डोमन, सीमा भारती, नेहा सिंह, मनदीप, अनामिक, ममता, कुसुम, मुकेश, नीतू, लक्ष्मी, टाकेश्वरी, प्रेमशीला, शिव, रीता, फ्रांसिस अपने अपने किरदार निभाए। शाम में वुमेन्स डे मनाया है और हमारा ये हेतु था कि आज जो भी लड़कियां इस हॉस्पिटल में पैदा होंगी, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको आज सर्विसेज देंगे। वुमेन्स डे एंड आई हैव अ फीलिंग दैट इट इज नॉट ओनली वुमेन, एवरी मैन एंड वुमेन बोथ शुड कंधे से कंधा मिला के चलना है। ना ये औरत अलग है ना आदमी अलग है, ना औरत अपने आप में सक्षम है ना आदमी अपने आप में सक्षम है, दोनों को अपना कंधा एक दूसरे से मिलाकर के अपनी गृहिणी चलानी है। पहले तो सभी देशवासियों को और हमारे दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ की महिला माताओं बहनों को एवं जिस भी फील्ड में जो भी लोग हैं उनको सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको प्रणाम करता हूं। आज के दिन आज हम लोगों ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज कराया था, जिसपे शहर की प्रतिष्ठित डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी महिलाएं हैं उनका सबका सम्मान समारोह रखा गया। इसके अलावा हॉस्पिटल से कुछ कल्चरल प्रोग्राम रखा गया। बीएम शाह हॉस्पिटल की तरफ से आज एक अलग अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो भी फीमेल चाइल्ड डिलीवर होगा उसका पूरा खर्चा जो है वो अस्पताल वहन करेगा, चाहे वो ऑपरेशन का खर्चा हो चाहे वो जो भी हो करके, वो बीएम शाह ट्रस्टी की तरफ से आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये एक सौगात के रूप में दिया गया है। और सभी हॉस्पिटल की जो भी इस फील्ड में महिलाएं हैं, बाहर जिस क्षेत्र में महिलाएं हैं, उनको सबको शुभकामनाएं। और एक बहुत सारे ड्रामा प्रोग्राम करे गए, जिसमें मैसेज दिया गया कि बेटी जब भी होती है तो एक निगेटिविटी मन में लेके आते हैं लोग करके, ड्रामा के थ्रू बाकी प्रोग्राम के थ्रू हमने ये मैसेज दिया करके
कि बेटी किसी से कम नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है अभियान, उसके तहत भी एक बड़ा मैसेज है ये। यही सब एक हमारा उद्देश्य था करने का और इसी का प्रोग्राम रखा था हमने। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बुधवार को प्रस्तुत बजट में पेंशन बहाली की योजना लागू कर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने एक बड़ी सौगात सरकारी कर्मचारियों को दी है, जिसे लेकर सभी सरकारी कर्मचारियों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। 9 मार्च बुधवार को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा चौथा आम बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें काफी सारी योजनाओं के साथ पेंशन बहाली की योजना भी शामिल की गई है। पेंशन बहाली की योजना लागू होने की खबर सुनते ही सरकारी कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है और सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर निगम परिसर में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी को मनाया और एक दूसरे को बधाइयां दी। साथ ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आम बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू की गई है, उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और निगम परिवार की ओर से, और व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी यह फायदेमंद है और फिर इन फ्यूचर इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ है और इसकी बहुत पुरानी मांग थी, इसको आज मान लिया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन का हृदय से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। इसका लाभ आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो अपना प्रस्ताव पारित किया है, उसका लाभ सीधा सीधा प्रदेश के हर एक कर्मचारी को मिलेगा जो 2004 के बाद परमानेंट या नियुक्ति हुए हैं। इस योजना से सीधा सीधा ये लाभ होगा कि दिवंगत शासकीय सेवा को या फिर जो 2004 के बाद नियुक्ति हो उनका लाभ या तो कर्मचारी को मिलेगा या तो उनके आश्रित सदस्यों को मिलेगा, जिसके कारण सभी कर्मचारी में इतना खुशी का माहौल है कि उन्होंने त्यौहार के पहले दिवाली और होली जैसी खुशी साथ में देखी। मेरा नाम शुभम गोयर है, मैं सहायक आयुक्त के पद पर दुर्ग निगम में कार्यरत हूं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। समर्पण सेवा समिति ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। जिले में अनाथ विकलांग एवं जरूरतमंद महिलाओं को उनके उपयोग की सामग्री का वितरण किया, जिससे उनकी आंखों में खुशियां झलकने लगी। संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा बंटी ने बताया कि समाजवादी विचारधारा का जन्म ही समाज के निराश्रित एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी वो सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए हुआ है, जिनसे अभी तक वे अछूते रहे हैं। एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता का एकमात्र धर्म मानवता व सेवा करना होता है। इन्हीं बातों को आत्मसात करते अपना हर पर्व हर आयोजन विगत 5 वर्षों से जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग जरूरतमंद लोगों के साथ उनको उनकी जरूरत की सामग्री वितरण करके और उनके साथ खुशियां बटाते हुए मनाती है। राष्ट्र में जिस उद्देश्य को लेकर प्रथम बार महिला दिवस मनाया गया था, उसी उद्देश्य को लेकर जन समर्पण सेवा संस्था ने निचली बस्तियों में पिछड़ी एवं जरूरतमंद महिलाओं के साथ मनाया। संस्था के प्रकाश कश्यप ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शाम 4 बजे महिला अनाथ हॉस्पिटल कादम्बरी नगर दुर्ग में निवास कर रही अनाथ महिलाओं के साथ मनाया गया महिला दिवस, जिसमें सबसे पहले सभी महिलाओं को फूल भेंट किया गया। तत्पश्चात उनकी सबसे जरूरत की सामग्री 4 नग मेडिकल टी टेबल, जिस पर विकलांग एवं वृद्ध महिलाएं भोजन बैठकर करेंगी, उसे सभी महिलाओं को उनके पलंग पर दिया गया एवं महिलाओं को नए कपड़े, भोजन हेतु उपयोगी स्टील के बर्तन, जरूरत की सामग्री में साबुन, निरमा तेल, पेस्ट, ब्रश, फल, मिष्ठान, नमकीन एवं जरूरत की सामग्रियां वितरित की गई। संस्था के संजय सेन ने बताया कि संध्या 6 बजे वृद्धाश्रम दुर्ग में सभी वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को, रात्रि 8 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन में सभी जरूरतमंद महिलाओं को भोजन, साबुन, तेल, निरमा, बिस्किट, फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित शहर की प्रसिद्ध महिला डॉक्टर मानसी गुलाटी ने सभी जरूरतमंद एवं वृद्ध महिलाओं को पुष्प देकर महिला दिवस की बधाई दी एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स की महिला इकाई अध्यक्ष स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पायल जैन नौकार परिसर ने सभी महिलाओं को सदैव स्वस्थ रहने के लिए फल वितरण किया। महिला दिवस के अवसर पर इस आयोजन में विप्र फाउंडेशन दुर्ग महिला इकाई की सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित होकर अपने हाथों से सभी जरूरतमंद महिलाओं को जरूरत की सामग्री वितरण किए। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा बंटी, नीलू पंडा, निर्मला शर्मा, अन्नू शर्मा, सोनू शर्मा, अन्नू फुलबाज, रमा शर्मा, कविता जोशी, मनोरमा शर्मा, क्षमा शर्मा, सुमन शर्मा आदि उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग द्वारा आज बहुत से सेवा के कार्य किए गए हैं, जिसमें पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज सभी लोग महिला दिवस का आयोजन किए हैं। पर जन समर्पण सेवा संस्था का उद्देश्य नीचे तबके के लोग और उन लोगों के साथ हर पर्व हर त्यौहार मनाना है जो पर्व और त्यौहार को खुशियों के साथ नहीं मना पाते।
इसी उद्देश्य को लेकर जनसमर्पण सेवा संस्था द्वारा आज महिला दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम कादम्बरी नगर में दुर्ग में स्थित महिला अनाथ हॉस्पिटल में 4 मेडिकल पलंग जिस पर मरीजों के लिए उपयोग में आएगी वो, उसके साथ साथ उनकी ज़रूरत की सामग्री कपड़ा, नए कपड़े, मिष्ठान, नमकीन और मिठाई, साबुन, निरमा, तेल, पाउडर वितरण किया गया है। उसके पश्चात दुर्ग के वृद्धाश्रम में सभी महिलाओं को कपड़े, सभी पुरुषों को कपड़े और सभी को ज़रूरत की सामग्री साबुन, निरमा, मिठाई एवं फल का वितरण किया गया है। प्रतिदिन की तरह दुर्ग रेलवे स्टेशन में भी आज भोजन वितरण किया गया, जिसमें भोजन वितरण में जितनी भी महिलाएं आई थी सभी लोगों को गुलाब फूल देकर उनका अभिवादन करते हुए महिला दिवस मनाया गया है। इस पूरे आयोजन में मानसी गुलाटी जी और सुश्री पायल जैन नवकार परिसर का विशेष सहयोग रहा, उपस्थिति रही और दुर्ग की विप्र फाउंडेशन महिला इकाई द्वारा उपस्थिति कार्यक्रम में दी गई साथ साथ संस्था को महिला दिवस के लिए आयोजन के लिए सहयोग व्यक्त किया गया। जनसमर्पण सेवा संस्था सभी महिलाओं को, सभी माताओं को, सभी बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती है। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा बंटी, अध्यक्ष जनसमर्पण सेवा संस्था दो, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। 9 मार्च बुधवार को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा चौथा बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। विपक्ष का कहना था कि बजट लोक लुभावन है, तो वहीं पक्ष का कहना था कि बजट सभी वर्गों को देखकर प्रस्तुत किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत किया है। वहीं बजट को लेकर ग्रैंड न्यूज संवाददाता वीना दुबे ने पक्ष और विपक्ष से बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा 9 तारीख आज बतौर वित्त मंत्री के रूप में आम बजट प्रस्तुत किया गया है। आम बजट को लेकर के हमने पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया ली। उन्होंने कुछ लोगों ने बजट को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कुछ अच्छे वे में दी और कुछ लोगों का कहना था कि बजट जो है वो लोक लुभावना बजट है। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि किस नज़र से, किस तरीके से वो बजट को देखते हैं। मैं सबसे पहले जा रही हूँ, अब हमारे जो दिनेश देवांगन जी बीजेपी से हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि बजट को लेकर वो किस नज़र से देखते हैं। जी सर बताएं। भूपेश सरकार जब से आई छत्तीसगढ़ की जनता बहुत परेशान है जी। उसके बजट में हम भी चौथे बजट है उसको देखें जी। उन्होंने जितने वादा किया थे अपने घोषणा पत्र में जी। उनके आधे को भी पूरा नहीं कर पाया। उन्होंने वादा किया था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने वादा किया था जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिलता है उन्हें पेंशन बढ़ाएंगे, निराश्रितों का भी पेंशन बढ़ाएंगे, और उन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था महिलाओं के लिए शराब भट्टी बंद करने का। आप देख लीजिए चौथा बजट है, उन्होंने वादा किया था चुनाव जीतते ही शराब भट्टी बंद करेंगे, बल्कि शराब की दुकानें और बढ़ गई हैं। आप आज देखते होंगे शहर में गली गली और पूरे प्रदेश में यही हाल है, गली गली में ऐसे जगह जहां पर शराब भट्टी नहीं होनी चाहिए वहां शराब की दुकान खुली। और उससे बड़ी बात, कांग्रेस के लोग जगह जगह आहता चला रहे हैं, उस आहता के कारण मारामारी की स्थिति हो रही है, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, महिलाएं बहुत त्रस्त हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। भूपेश बघेल जी इस विषय पर जरा भी कोई बात नहीं करते। और हम दूसरी तरफ बात करें, विकास की बात करें, छत्तीसगढ़ में विकास शून्य हो गए हैं। जो विकास हो रहा है वो पूर्ववर्ती दिव्य राशि की सरकार है, केंद्र की सरकार से काम हो रहा है और ये उसमें अपना लेबल चिपका रहे हैं। हम बात करें अगर विकास की, बजट की, इन्होंने विकास में कहीं कोई बजट नहीं रखा। शहर में अगर हम देखें तो जगह जगह गड्ढे हैं, नालियाँ टूटी पड़ी है, लोग सड़क नाली बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये सरकार विकास पे कोई बात नहीं करती, ये केवल वादा करती है और वादा को पूरा नहीं करती। एक तरह से कहा जाए तो इसकी बजट दिशाहीन है। उन्होंने इतने सारे वादे किए और घोषणा की, उसको पूरा नहीं कर पा रहे, बल्कि उसको पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ में 60,000 करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने कर्ज ली है, और कर्ज लेकर किसी को बांटना ये मुझे लगता है न्याय संगत बात नहीं है। ये तो वही बात हुई कर्ज लेकर घी पीने वाली नीति, भूपेश सरकार केवल इसी नीति पर काम कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप बजट को लेकर, किस तरीके का बजट? बिल्कुल दिशाहीन बजट है, लोगों को भ्रमित करने वाला बजट है। इस बजट में ना कोई और है ना कोई छोर है।
ये थे दिनेश देवांगन जी जो विपक्ष से हैं। आइए हम पक्ष से बात करते हैं, पूछते हैं सर, अभी विपक्ष द्वारा शराबबंदी को लेकर के बात की गई है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कांग्रेस द्वारा जब कांग्रेस सरकार में आई थी तो उन्होंने शराबबंदी को लेकर के एक बड़ी कसम खाई थी, लेकिन अभी जैसा कि आपने सुना मेरे सामने, तो आप शराबबंदी को लेकर के क्या कहें? 20 साल से इनकी सरकार थी जी, इन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं किया? आज क्यों इनको दिख रहा है? शराब तो इन्होंने भी बेचा है क्या अपने ठेकेदारों के माध्यम से? अभी तो सरकार स्वयं चला रही है, सरकारी उसमें चल रहा है। इनके द्वारा तो पहले बंदर माट किया गया क्या शराबों का, दुकानों का, जिसके तहत लाखों करोड़ों रुपया इनके पुरोहित नेता लोग हजम कर चुके हैं। शराबबंदी के बारे में ये ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने तो घर घर शराब पहुँचाई है ना जी। और बताइए जी, अभी जो पेंशन बहाली को लेकर के भूपेश सरकार द्वारा जो एक बड़ी घोषणा की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किए हैं। आइए अब हम, हमारे साथ एक गृहिणी भी हैं और पूर्व पार्षद भी हैं, वर्तमान पार्षद गायत्री साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो बजट को किस रूप में देखती, महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है क्या नहीं है, आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो बजट को किस रूप में देख रही हैं। जी मैडम, बताएंगी, आप एक गृहिणी हैं और अभी वर्तमान में पार्षद भी हैं, तो क्या लग रहा है आपको जो बजट पेश किया? छत्तीसगढ़ सरकार के जो चौथा बजट है वो महिला विरोधी बजट है। इसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो मानदेय है उसको 10,000 करना है करके घोषणा किए थे, वो अभी तक नहीं हुआ है। और मितानिनों का भी 5,000 मानदेय देना है करके घोषणा किए थे, वो भी नहीं हुआ है। और अभी इतनी महंगाई, चाहे रसोई गैस हो चाहे वो तेल का हो, इतना महंगाई है तो सरकार को इस में, क्योंकि रसोई महिलाओं से जुड़ी है, इसलिए महिलाओं के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था सरकार को। और महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, इसलिए यह जो बजट है वो महिला विरोधी है। और इसी नगर निगम परिसर में मुख्यमंत्री जी आए थे और महापौर जी का और सभापति का जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन एक घोषणा किए थे कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, लेकिन अभी तक शहर का कहीं भी और न तो गैया का कहीं भी व्यवस्था नहीं हो पाया है। और मैं ग्रामीण क्षेत्र की पार्षद हूँ, मैं इससे इतनी पीड़ित रहती हूँ। मैं कई बार नगर निगम में कंप्लेन करती हूँ तो पर भी यहाँ बोलते हैं कि हम लोग गैया को ले उठा कर ले जाएंगे कहाँ। तो अभी तक हमारे वार्ड के जनता, पूरा शहर की जनता, गैया ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो है वो पूरा तरह फ्लॉप है, वंचित है। हाँ, आपकी नज़र में क्या है ये बजट जो पेश किया गया है, वो उसे क्या कैसा लग रहा है आपको, किस नज़र से आप देखती हैं? इसमें तो हमारे नज़र से तो ये बजट जो है वो दिशाहीन है और हम महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। आइए हम पूर्व पार्षद मदन जैन जी के पास चलते हैं। वरिष्ठ जो है, काफ़ी वरिष्ठ जो पार्षद जो है उनसे हम बात करते हैं, मदन जैन जी से, और उनसे पूछते हैं कि वो बजट को किस रूप में देखते हैं। जी सर, बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? प्रदेश के मुखिया ने आज बजट पेश किया है, जिस तरीके से आज सदन में वो गोबर के सूटकेस को लेकर के आए हुए थे, क्या बताना चाह रहे थे वो? देखिए, देश की आज़ादी के बाद जी कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, उस दिन से कांग्रेस की पहली विचारधारा रही है सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए काम करना। आज छत्तीसगढ़ उसी ओर अग्रसर है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बताए मार्ग, इंदिरा जी के बताए मार्गों पर चलने के लिए। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका अगर ईमानदारी से विपक्ष आकलन करे तो यह बजट सर्वहारा लोगों के लिए बजट है, और इस बजट से प्रदेश को एक नई दिशा मिली है। जिस दिन नरवा गरवा की बात की गई थी उस वक्त ये विपक्षी ने हंसी मजाक में उड़ाया था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को साबित किया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को जो गोबर को फेंके और रोजगार के बहुत रास्ते खोलेंगे। ये थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मदन जैन जी। आइए अब हम नेता प्रतिपक्ष के अजय वर्मा जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो बजट को किस रूप में देखते हैं। जी सर, बताएंगे अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या बजट जो है वो सर्वहारा वर्ग के हित को देखते हुए पारित किया गया है? देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ इसलिए शहर की बातें ज़्यादा करता हूँ, और
फिर आपने सर्वहारा बात की तो मैंने कहा था ना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और ये बजट कैसा दिखता है, अंधा माटे रेवड़ी और चीन चीन के दह। उसका कारण भी बता रहा हूँ, अभी मेरे बाकी मित्रों ने कहा नौकरियों की बातें कही, कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय धरमलाल कौशिक जी ने मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न किया, विधानसभा परिसर के बाहर में 4.5 लाख नौकरियों का बोर्ड टंगा है और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने सूचना के अधिकार में जो निकाला है तो 20,000 नौकरियां इस सरकार ने अभी तक दी है, ये इसकी हकीकत है। तो ये बोर्डों में खूब अच्छा दिखेगी, लोक लुभावन वादों में खूब अच्छी दिखेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शहरों में सड़कों की स्थिति बड़ी दुर्गम हो गई है और इसके कारण इस शहर में एक हफ्ते में 10 से 12 मौतें हुई हैं, इसके आप भी साक्षी हैं। उसका कारण है सड़कों में संधारण नहीं होना, पेयजल की व्यवस्था नहीं होना। सरकार ने आज जो बजट लाया है उसमें मुझे कहीं भी सड़कों के लिए अतिरिक्त राशि या नगरीय निकायों के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था नहीं दिखती, इसलिए इसमें मैं इस बजट को शहरों के दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण फैल मानता हूँ। दूसरे विषय पे मैं आऊँ, जब हम सरकार बनाना होता है तो खूब सारी घोषणाएं करते हैं, जैसे पहले हमारे शहर के विधायक को शराब दुकानों से दुख होता था, अब शराब के प्रति आंदोलन 4 साल से इस शहर की जनता ने नहीं देखा। पहले SLRM सेंटर से बदबू आया करती थी, आजकल माननीय विधायक जी को खुशबू आती है तो वो SLRM सेंटर की बात करना छोड़ दिए। मैं आ रहा था इस विषय पे कि संविदा और प्लेसमेंट के लोगों को जैसे भी हैं और दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण का वादा करके यह सरकार कुर्सी पे आई है और आज तारीख तक यह इनका मैं अंतिम बजट इसलिए मान रहा हूँ कि आने वाले साल में यह बजट भले प्रस्तुत करेंगे पर उनके क्रियान्वयन का मौका इन्हें नहीं मिलेगा और चुनाव आ जाएगा। तो इन्होंने कितने दैनिक वेतन भोगी को नियमित किया, कितने संविदा कर्मियों को नियमित किया। अगर युवाओं की चिंता इस प्रदेश की है तो नशे में लगाम के लिए अतिरिक्त प्रावधान आपने कहाँ किया है, जो 10 बजे शराब दुकान खुला करती थी वह अब 8 बजे खुला करती है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा काम इस बजट में मुझे नहीं दिखता है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को सुधारे, जो हमारे शिक्षा के सिस्टम को सुधारे। इसलिए यह बजट मुझे लगता है जो अधिकारियों ने बना के दे दिया उसे मुख्यमंत्री जी ने ग्राह्य कर लिया और उसे ही सदन पटल पर रख दिया। इस तरीके से इसे मैं पूर्ण रूपेण असफल और खराब बजट। नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सारा जो कुछ है चर्चा है उसी विषय पर हो रही है, तो उससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस शहर में जितनी मौतें दुर्घटनाओं से हुई है उसमें 30% मौतें आवारा पशुओं में हमारे युवाओं के या लोगों के टकरा जाने। ये थे हमारे साथ शिवेंद्र परिहार जी, जिन्होंने बजट को लेकर के काफ़ी सारी बातें की, शराबबंदी के विषय में उन्होंने बताया। आइए हम अब बात करते हैं युवा शिशिर कसर जी से, जो एक युवा हैं उनसे हम बात करते हैं। सर बताएंगे कि व्यापम और नीट की जो परीक्षाएं थी उसमें स्थानीय लोगों के लिए छूट कर दी, उनके शुल्क माफ़ कर दिए गए, उसे लेकर। देखिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है भूपेश बघेल जी की सरकार की और ये चौथा बजट बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। लंबे समय से, चूंकि मैं छात्र नेता रह चुका हूँ, लंबे समय से हमारी मांग थी कि जो UPSC की जो एग्ज़ाम है, भारी भरकम फीस बच्चों को, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको चुकानी पड़ती थी, ये एक उनके लिए एक संजीवनी साबित होगा और इससे बहुत सारे टैलेंट हमारे प्रदेश के निकल के आएंगे। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो भूपेश बघेल जी ने की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और बहुत ही सराहनीय ऐतिहासिक बजट है जिससे कहीं न कहीं समाज के हर वर्ग को फायदा मिलेगा। अमृत मिशन योजना के लिए भी कुछ बात कही गई है बजट में, 200 करोड़ कुछ का प्रावधान फिर से दिया गया, जो काम अधूरे थे। बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हैं जो नहीं बट पाए थे, काम अधूरे थे, अब फंड पास होने से काम द्रुत गति से होगा और इसका लाभ सभी को मिलेगा। तो आप मानते हैं कि प्रदेश के मुखिया द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो ऐतिहासिक बजट है? बहुत ही ऐतिहासिक बजट है और संभवतः लास्ट बजट है और इससे सभी वर्गों को फायदा ही हो रहा है। दुर्ग के राजीव भवन में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा दुर्ग के राजीव भवन में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, लेकिन सबसे अहम मुद्दा संगठन को आगे बढ़ाना और मजबूत करने के लिए रहा,
जिस पर कई प्रकार के सुझाव लोगों ने दिए। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। दुर्ग जिला यूथ कांग्रेस की मासिक बैठक थी, जो डिजिटल मेंबरशिप और एक बूथ 10 यूथ जो यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम है उन दोनों को लेकर के बैठक रखी गई थी, जिसमें जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। लगभग लोग आज बैठक में मौजूद थे, जो लोग नहीं थे उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि उनकी जगह नए सक्रिय लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा। निष्क्रिय लोगों को संगठन से बाहर करने की एक तैयारी है और ये निर्देश माननीय सभी हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो नेतृत्व है, उसका है कि निष्क्रिय लोगों को संगठन से बाहर कर, जो बाहर हज़ारों की संख्या में युवा इंतजार कर रहे हैं यूथ कांग्रेस में जुड़ने का, उन सबको जोड़ने का एक अभियान चलाया जाए। मेंबरशिप के माध्यम से और एक बूथ 10 यूथ के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मोहन मरकाम जी ने यूथ कांग्रेस को दिया है। उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए उसको लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई थी। इसके साथ ही हमारी जो विधानसभा और जिला स्तर पर कार्यकारिणियाँ बनानी है, जो पेंडिंग है जिन जिन विधानसभा में और जिले में, उसको कैसे पूरा किया जाए, इन सब एजेंडा पर आज चर्चा करते हुए हम लोगों ने बैठक रखी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा मंच और स्नेह संपदा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के गौरव पद्मश्री सबा अंजुम और राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित पर्वतारोही सविता का शॉल और श्रीफट भेंट कर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सर्वधर्म सेवा मंच के द्वारा स्नेह संपदा विद्यालय के प्रांगण में भिलाई की गौरवशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस शुभ अवसर पर संस्था द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और सशक्त करने के लिए बेटियों का सम्मान व आगे बढ़ाने के लिए बेटियों के नाम की पट्टी का अभिभावकों की अनुमति से उनके मकान दुकान के सामने लगाने के अभियान का शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बेटियों ने अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित होकर इस अभियान का समर्थन किया। सर्वधर्म सेवा मंच की ओर से आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं उनके अध्यक्ष प्रतीक भोई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए, बेटियों को सम्मान देने के लिए उनके नाम से उनके घर के सामने नेम प्लेट लगाना, और दूसरी सारे धर्मों को एक साथ लेकर वो चल रहे हैं और जो हमारे समाज में मृत्यु भोज की प्रथा है उसको भी धीरे धीरे कम किया जाए, क्योंकि गरीब लोग कर्ज में दब जाते हैं तो इसको भी हमको बंद करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य ये संस्था के माध्यम से किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा अवसर है महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटियों को आगे बढ़ाने का एक मंच इन्होंने दिया है। तो मैं महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी सारी बेटियों को, सारी महिलाओं को यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, और मैं चाहती हूँ कि बेटियाँ बहुत आगे बढ़ें और जो वो करना चाहें, जो उनकी रुचि हो, वो रास्ता उनको चुनने का मौका दिया जाए और किसी प्रकार का समाज में परिवार में भेदभाव ना हो, क्योंकि हम बेटों को तो प्रोत्साहित करते हैं बेटियों को पीछे कर देते हैं। तो हम बेटियों को जितना आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बेटी पढ़ती है तो दो परिवार को शिक्षित बनाती है, तो दो परिवारों को वो लेके चलती है, तो बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमको अवसर देना है। और पुनः मैं महिला दिवस की बधाई देना चाहूँगी, धन्यवाद। महिला दिवस में मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। साथ में हमें यहाँ बुलाया है जो संस्था में भोई जी बुलाए हैं, यहाँ हमें जो देखे हैं और लोगों को, लोग हमें देख के जो मतलब सोचते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह से मतलब लोगों को देखने ही मिलता है, तो उसके लिए और साथ में जो लोगों को हमने यहाँ संस्था में जो मुंगमती लोगों को देखे, जो बच्चे लोगों को देखे जो यहाँ बोल नहीं सकते उनको देखे, इतना अच्छा आज हम उनके लिए यहाँ पर आए, वो हमें देख के खुश हो रहे हैं। तो बस मैं यही कहना, संस्था द्वारा समाज में बेटी और बेटे के स्नेहपूर्वक समानता के लिए संस्था का ये प्रयास है। संस्था को ये ऐसा लगा कि समाज में ये भिन्नता जो है काफ़ी समय से बनी हुई है, इस भिन्नता को दूर करने के लिए हमने ये प्रयास किया कि इस बेटियों के नाम से दुकान मकान की पहचान हो और स्नेहपूर्वक उन्हें समानता मिले, इस प्रयास में हम लगे हैं और इसमें सभी के सहयोग से इस अभियान को। मेरा नाम प्रतीक भोई है और मैं अध्यक्ष सर्वधर्म सेवा मंच। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट।
कुर्सीपार गेट के पास कोलकाता से औरंगाबाद ले जा रहे 15 पैकेट कार्टून में रखे गए कार पार्ट्स की चोरी का मामला कुर्सीपार थाने में दर्ज हुआ और तहकीकात कर एक अपचारी बालक के साथ चोरों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के पास से सभी सामग्री को बरामद कर लिया गया है। कुर्सीपार थाना प्रभारी नगर निरीक्षक दुर्गेश शर्मा ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि ट्रक क्रमांक MH12HD2299 कोलकाता से औरंगाबाद की ओर 15 पैकेट कार्टून को रखकर ले जा रही थी। कुर्सीपार गेट के समीप ट्रक के बिगड़ जाने की वजह से राहुल गैरेज के पास खड़ी कर चालक अजय कुमार यादव ट्रक के केबिन में सो गया। ट्रक को त्रिपाल से सुरक्षित ढक दिया गया था। रात में त्रिपाल को काटकर कार्टून की अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली। आसपास के CCTV कैमरे से फुटेज लिया गया तो सोनू उर्फ बघवा उर्फ चंद्र कुमार शर्मा 28 वर्ष साकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर कुर्सीपार के रूप में शिनाख्त किया गया और उसे गिरफ्त में लेकर पूछताछ की गई। सोनू ने अपराध करना स्वीकारा और उसके निशानदेही पर मशरूका को बरामद कर लिया गया। दुर्गेश शर्मा ने बताया कि इस चोरी में एक नाबालिग भी सहयोगी था। दोनों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 379-34 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। ये करीब एक सप्ताह पहले की घटना है का जो हाईवे पे तिलाराना के पास पे एक ट्रक खड़ी थी MH12SD2299। इस ट्रक से में ऑटो पार्ट्स के कुछ सामान जा रहे थे। उसमें से ड्राइवर की जो रिपोर्ट थी उसने बताया कि 15 कार्टून के आसपास सामान जो है वो रात में उसके त्रिपाल को काट के अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है और चोरी करने के बाद पे उसने FIR कराया जिसमें कुल कीमत जो आकलन किया गया है 2 लाख के आसपास 2 से 2.5 लाख के आसपास का सामान चोरी जाना बताया जी। की रिपोर्ट पर धारा 379 IPC में मुकदमा दर्ज करने के बाद उपरांत पे लगातार पता तलाश किया जा रहा है। पता तलाश के दौरान पे उसी दिनांक को जो आरोपी गंगू धर्मेंद्र है इसको मुखबिर की सूचना पर हिरासत पे लिया गया और इसके साथ पे एक अन्य जो चोरी वाला है उसको हिरासत पे लिया गया। दोनों से पूछताछ करने पर जो चोरी गया सामान था वो सारा कुछ बरामद करा दिया इन्होंने और बताया कि साथ में एक सोनू चंद्र कुमार शर्मा जो निवासी राजेंद्र नगर का रहने वाला है ये भी इनके साथ में चोरी की घटना में शामिल था। ये पकड़ा नहीं गया था। लगातार पुलिस इसकी पतासाजी कर रही थी परंतु ये लगातार रायपुर और अपने ठिकाने बदल रहा था। बीते दिनों में इसको पुलिस के द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि ये बंदा जो है घर आया हुआ है और घर पर है। पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर जो सोनू है इसको पकड़ लिया गया और हिरासत में लेकर जो संबंधित धाराएं हैं उसमें कार्रवाई की गई। जिससे पहले कोई भी अपराध के प्रकरण में पकड़ा है पहले भी 302 के मामले में जेल जा चुका है। काफ़ी शातिर है, पुलिस को देखकर लगातार भागता है। उस दिन भी भागने का प्रयास करता है परंतु पुलिस की पेट्रोलिंग टीम की सक्रियता से पकड़ा गया। धर्मेंद्र जो है मुख्य आरोपी है जो पहले ही पकड़ा गया था इसके निशानदेही पर ही पूरा सामान जो है वो जब्त कर लिया गया था। ग्रैंड न्यूज़ के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग में बुधवार को दोपहर एक व्यक्ति 3,36,000 रुपए की उठाईगिरी का शिकार हो गया जिसे लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग शहर में अब उठाईगिरी की घटना को अंजाम देना आम बात हो गई है। हाल ही में चंद महीने पहले दुर्ग के बांसपारा में एक व्यक्ति लाखों रुपए की उठाईगिरी का शिकार हो गया था। ताजा स्थिति में बीते मंगलवार को भी मोहन नगर क्षेत्र में 1,00,000 रुपए की उठाईगिरी हुई और दोनों मामले अभी शांत नहीं हुए कि बुधवार की दोपहर प्रार्थी विहिप प्रधान भी 3,36,000 रुपए की उठाईगिरी का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार विहिप का मित्र हर्षित मिश्रा विहिप के साथ कार्य करता था और पैसे लाने ले जाने का कार्य भी वही किया करता था। बुधवार की दोपहर सुपेला के केनरा बैंक से हर्षित मिश्रा ने 3,36,000 रुपए निकाले थे। इस बीच हर्षित अपनी कार को पुष्पक नगर में खड़ा कर किसी काम से बाहर गया तभी किसी व्यक्ति ने आकर उसे बताया कि उसकी कार का दरवाजा और कांच टूटा हुआ है। जब हर्षित ने मौके पर पहुंचकर कार को देखा तो कार में से पैसे गायब थे। इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग CSP जितेंद्र यादव ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। मोहन नगर थाना अंतर्गत पुष्पक नगर का मामला है जिसमें एक प्रार्थी है विहिप प्रधान जो कि सुपेला के कैनरा बैंक ब्रांच से लगभग 3,00,000 रुपए निकाल कर लाए थे और पुष्पक नगर में उनके साथ इस 3,00,000 का उठाईगिरी हो गई है। वो ये पैसा कार में रख के अपने ऑफिस के अंदर ही घुसे थे, उसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति आकर उस पैसे को लेकर। इस तरह की घटना, ये बड़े चालाक लोग हैं और ये बैंक से ही लोगों का पीछा करते हैं और उसके बाद उनका जो वीक मोमेंट देख के जहाँ जब प्रार्थी उतना लापरवाह हो जाता है तब ये कार्य करते हैं। अभी तक जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है उसके हिसाब से यही है कि ये लोग बड़े शातिर हैं और इसमें पुलिस की टीम भी लगी हुई इन्वेस्टिगेट कर रही है और जल्द ही हम लोग इनको पकड़ने में कामयाब रहेंगे।
फिलहाल लगातार शहर में हो रही उठाईगिरी की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और चोरों के हौसलों को देखकर अब लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी उंगली उठा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दल्लीराजहरा नगर पालिका में महिला दिवस मनाया गया और महिला सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर द्वारा नगर पालिका में कार्यरत महिला शक्ति को सम्मानित करने के लिए पालिका सभागार में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कार्य में सम्मिलित सभी महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सफाई मित्र प्रमाण पत्र भेंट देकर महिला शक्ति का सम्मान किया। नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिला शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं। नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं की जमकर प्रशंसा की एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए महिला शक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि गर्व की बात है कि नगर पालिका में कुल 27 वार्ड में से 11 वार्डों में महिला पार्षद चुनकर आई हैं। इससे पता चलता है कि नारी शक्ति कितनी सशक्त है और हमें हमेशा नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका रुखसाना बेगम, टी ज्योति राव एवं विभिन्न महिला पार्षद सहित समस्त महिला कर्मी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।